हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आलू टिक्की चाट किस तरह से बनाई जाती है। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए सामग्री चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं टिक्की बनाने के लिए सामग्री। 4 उबले हुए आलू और मैश किए हुए, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 चम्मच मक्के का आटा, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 नमक स्वादानुसार और तेल। अब टिक्की में भरने के लिए सामग्री देखते हैं। 3 छोटा चम्मच चना दाल, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब टिक्की परोसने के लिए सामग्री देखते हैं। आधा कप हरी चटनी, आधा कप इमली की चटनी, 1/2 कप बारीक नमकीन, 1/2 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 कटोरी बारीक कटा हुआ टमाटर, 1/2 कप दही। लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, इसे बनाने की रेसिपी है। सबसे पहले चना दाल को पानी में भिगोकर रख दें। उसके बाद प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी लगाकर दाल को पका लें। सीटी निकलने के बाद दाल को एक छलनी में छान लें और उसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब 1 कटोरी में उबली हुई दाल, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लें। भराई के लिए मसाला तैयार है। अब मैश किए हुए आलू में कटी हुई हरी मिर्च, मक्के का आटा, नींबू का रस और नमक डालें। इन्हें अच्छी तरह से मिला लें। मिश्रण को बराबर भागों में बांट लें और उसके गोले बना लें। अब उन्हें हथेली के बीच में रखकर दबा दें और 1 मिनट 1 चम्मच चने का मसाला भर लें। अब उसे ऊपर से अच्छी तरह से बंद करके दबा दें। सारे गोले इसी तरह से बनाकर तैयार कर लें। अब 1 तवे को धीमी आंच पर गरम करें। उस पर 1 से 2 चम्मच तेल डालें और उसे फैला दें। अब तवे पर 4-5 टिकिया डालें और इन्हें भूरे रंग की होने तक पकाएं। एक साइड पकने के बाद टिकिया के किनारों पर तेल डालें और कुरकुरी होने तक पकाएं। इन्हें 1 प्लेट में निकाल लें और सारी टिकिया को इसी तरह से पकाएं। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए रेसिपी है। सारी चटनी बनाकर तैयार कर लें। अब 1 प्लेट में 2-3 टिकिया लें और उसके ऊपर 1 चम्मच इमली की चटनी, 1 चम्मच हरी चटनी, प्याज, टमाटर, नमकीन और दही डालें।
टिकिया तैयार है, अब आप इसे सर्व कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज। थैंक यू।